आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साइकोलॉजी की 10 ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, जिन्हें मास्टर करने के बाद ना सिर्फ आप एक क्लेवर इंसान बन पाओगे बल्कि साथ ही आप इन ट्रिक्स का यूज करके किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाओगे। और ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो ना ही आपने कभी किसी और चैनल पर देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ वो नॉलेज शेयर करने वाले हैं जो इस दुनिया के सिर्फ टॉप 5% लोगों को ही पता है। और वही टॉप 5% लोग ही आज दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग बन पाए। ये ट्रिक्स आप अपने डेली लाइफ में सही लोगों पर इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। आपको बस ये ख्याल रखना होगा कि इन ट्रिक्स को आप सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज करो, ना कि दूसरों को मैनिपुलेट या फिर ब्लैकमेल करने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक की जानिब, द वियर इफेक्ट। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वियर इफेक्ट भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। असल में हम ह्यूमंस को बेसिकली ये लगता है कि जो चीज सस्ती होती है या फिर जो चीज हमें आसानी से हासिल हो जाती है वो चीज हमेशा लो क्वालिटी की होती है, इसीलिए लोगों के दरमियान उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए यूज करती हैं। अमेरिकन ऑथर और साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सेल्डिनी अपनी बुक इन्फ्लुएंस में बताते हैं कि उनकी एक फ्रेंड एरिजोना में एक टर्काइज ज्वेलरी शॉप की ओनर थी। उन्होंने अपने ज्वेलरी बेचने की बहुत कोशिश की मगर फिर भी कस्टमर्स वो ज्वेलरी खरीदने के लिए तैयार ना थे। इसके लिए उन्होंने शॉप के बाहर भी कुछ ज्वेलरी रख दी ताकि कस्टमर्स उनसे अट्रैक्ट होकर उन्हें खरीद ले, लेकिन फिर भी उन सबका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक रात घर जाने से पहले उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को कहा कि वो उन सारी ज्वेलरीज की प्राइस को आधा कर दे, जिससे उन्हें लॉस तो होगा लेकिन ये ज्वेलरीज बिक जाएंगी। कुछ दिनों के बाद जब वो अपनी शॉप पर वापस आई तो देखा कि उनकी शॉप में एक भी ज्वेलरी आइटम अवेलेबल नहीं था, सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके थे और वो भी प्रॉफिट के साथ। असल में हुआ ये था कि उनकी एम्प्लॉय ने प्राइस को आधा करने की बजाय डबल कर दिया, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि अगर ये ज्वेलरी महंगी है तो इसका मतलब है कि ये जरूर वैल्यूएबल और प्रेशियस होगी। और यही सोचकर सब लोग धड़ाधड़ वो ज्वेलरी खरीदने लगे। इसीलिए लोगों के दरमियान अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको इस ट्रिक का यूज करना है। जिन लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, उन्हें ये फील करवाओ कि आप अपने टाइम की कदर करते हो और आप एक बिजी इंसान हो, इससे उनकी स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी और वो आपको ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे। सेकंड, द प्लानिंग फैलेसी। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की ये बेसिक नेचर है कि हम अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर किसी काम को करने में हमें 2 दिन लगेंगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये कह देते हैं कि इस काम को तो मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन फिर उसी काम को करने में हमने जितना सोचा होता है उससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई प्लानिंग करने बैठो तो आप रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली सोचो ताकि उस काम को आप उस वक्त पर खत्म कर पाओ जिस पर आपने सोचा हुआ है। वरना अगर आप कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्लान करोगे तो उसमें फेल हो जाओगे, या फिर किसी को कोई कमिटमेंट करोगे तो उसमें भी फेल हो जाओगे। ये प्रिंसिपल डेली लाइफ में आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। थर्ड, रेसिप्रोसिटी। इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से किसी भी पर्सन से वो काम करवा सकते हो जो आप करवाना चाहते हो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी पर्सन के लिए कुछ करते हो, जैसा कि उसे कोई गिफ्ट देते हो या फिर उस पर कोई एहसान करते हो, तो सामने वाला पर्सन भी उस फेवर को रिटर्न करने की कोशिश करता है। यानी एहसान का बदला एहसान। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त आपको एक गिफ्ट देता है, आप उसे थैंक यू बोलते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आपसे कोई छोटा सा फेवर मांगता है। अब 90% चांसेस होंगे कि उस गिफ्ट की वजह से आप उस फेवर के लिए हाँ ही करो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप पर कोई एहसान करता है तो आप जितना जल्दी हो सके उस एहसान को उतार देना चाहते हो। फोर्थ, द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। सोशल साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को फैमिलियरिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग लोग ज्यादातर चीजों को पसंद या नापसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होते हैं। अक्सर रिसर्चेज में ये देखा गया है कि लोग जितना ज्यादा किसी इंसान को देखते हैं वो पर्सन उन्हें उतना ही ज्यादा प्लीजिंग और अट्रैक्टिव दिखता है। इस ट्रिक का यूज ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स करती हैं, जिसमें वो एक चीज को बार बार टीवी या सोशल मीडिया पर दिखाकर उस चीज के बारे में या फिर उस पर्सन के बारे में आपका परसेप्शन बदलना चाहते हैं, ताकि आप उस पर्सन को लाइक या डिसलाइक करने लग जाओ, जो आपको रियल पिक्चर देखने से दूर कर देता है और आप वही सोचने और देखने लग जाते हो जो वो चाहते हैं। रूल नंबर 5, द एंकरिंग बायस। साइकोलॉजी के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं या फिर किसी चीज के बारे में कोई एस्टिमेट लगा रहे होते हैं तो उस टॉपिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले दी जाती है हम सबसे ज्यादा उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी उस इन्फॉर्मेशन के पहले टुकड़े पर ही हम सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए कोई न्यू कार खरीदने चाहते हो तो सेल्समैन सबसे पहले आपको एक ऐसी कार दिखाता है जिसकी प्राइस बाकी गाड़ियों से बहुत ज्यादा होती है, तो आगे वो आपको जो जो कार दिखाएगा उन सब की प्राइस आपको कम लगेगी क्योंकि उस पहली कार की प्राइस अभी तक आपके माइंड में चल रही होगी। इससे होगा ये कि आप उस पहली कार की प्राइस से और गाड़ियों की कीमत को कंपेयर करोगे और आपको ये लगेगा कि ये कार उस कार से ज्यादा अच्छी और अफोर्डेबल है। 6th, द कंट्रास्ट प्रिंसिपल।
इमेजिन करो कि आप एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हो और वहाँ आपको दो सूट पसंद आते हैं जो दोनों एक साथ प्लेस किए गए हैं। एक की प्राइस 10,000 और दूसरे की प्राइस 6,000 है। दोनों का कलर सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन ब्रांड का फर्क है। अब उस सूट को खरीदना ज्यादा प्रेफर करोगे जिसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि पहले आपकी नजर हाई प्राइस वाले सूट पर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको वो सूट ज्यादा पसंद आएगा जिसकी प्राइस कम होगी। अब यहाँ उस सेल्समैन ने कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज किया। जो मिडिल क्लास होगा वो प्राइस को देखेगा और जो थोड़ा अमीर होगा वो ब्रांड को देखेगा। इस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, जैसे कि आईफोन, आईफोन मिनी, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स का यूज किया जाता है कस्टमर्स के साथ साइकोलॉजिकली खेलने के लिए। इस साइकोलॉजिकल हैक से बच के रहो, इससे आप लॉन्ग टर्म में अपने लाखों रुपए बचा लोगे, क्योंकि ज्यादातर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में लोग इसका यूज करके आपको फोर्स कर रहे होते हैं उनकी चीजों को खरीदने के लिए। नंबर 7, रिवील योर वीकनेस बिफोर अदर्स डू। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कोर्ट में जब लॉयर्स अपने केस लड़ने से पहले ही अपने उस केस की वीकनेस उस जज को बता देते हैं जिसके सामने उस केस को रखा गया है, तो मैक्सिमम केसेस में जज उनके फेवर में ही डिसीजन देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इससे पहले कि ऑपोजिशन पार्टी का लॉयर जज को उनकी कमियां बताए, वो खुद ही जज को अपने केस की कमियां बता देते थे, जिसकी वजह से जब दूसरी पार्टी का लॉयर उनकी कमियां जज को बताता था तो जज को उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोई यूज्ड कार बेच रहे हो तो अगर आप बायर के फाउंड आउट करने से पहले ही आप उस कार की कमियां उसे बता देते हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो, और इसीलिए आपकी कार के बिकने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। रूल नंबर 8, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट में लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वही ही कहानी के मेन कैरेक्टर है, यानी सब लोगों का ध्यान सिर्फ उन्हीं की तरफ है, सब लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन्होंने क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन असल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो और आपने क्या पहना है। ये आपके लिए ही मुश्किल खड़ी करता है। आप ये सोचते हो कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो सामने वाला मुझे जज करेगा। आप खुद ये सोच सोच के अपनी सेल्फ एस्टीम लो कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप एक दिन अपने मामूल से हटकर कोई कपड़े पहन के बाहर जाते हो। आप तो अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि मैं बुरा लग रहा हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रियलिटी में सिर्फ 25% लोग ही ये नोटिस करते हैं कि आपने क्या पहना, और वो भी वो लोग जो आपके साथ सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स। इसीलिए इस गलतफहमी से दूर निकलो कि सब आपको नोटिस कर रहे हैं। 9th, द संक कॉस्ट फैलेसी। आपने अक्सर लोगों के बारे में सुना होगा कि किसी का एक वक्त में बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए वो और कर्ज पे कर्ज लेते गए और आगे चल के उन्हें वो बिजनेस तो बंद करना ही पड़ा, लेकिन साथ ही उन पर और ज्यादा कर्ज भी हो गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतना पैसा तो लग ही गया है, शायद और पैसा लगाऊंगा तो अब मेरा पहले का लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और क्योंकि उन्होंने उस बिजनेस में इतना ज्यादा टाइम और हार्डवर्क लगाया था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब उनका बिजनेस फेल होने लगा है। यही संक कॉस्ट फैलेसी है। अपने एक लॉस को रिकवर करने के लिए हम और लॉस करते जाते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आपको बार बार हर्ट करता है और बाद में आकर सॉरी बोल देता है। आपके दोस्त आपको कहते हैं कि बस कर दे यार, ये रिलेशनशिप तेरे लिए सही नहीं है, और आप कहते हो नहीं यार, इतना टाइम और एनर्जी लगा दी है, अब इसे एंड करना कोई सलूशन नहीं है। यही संक कॉस्ट फैलेसी सबसे ज्यादा डेंजरस तब होती है जब आप अपना टाइम, पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हो, और ये जितना ज्यादा होता है उस फैलेसी में फंसने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पिग्मैलियन इफेक्ट। पिग्मैलियन इफेक्ट कहता है कि जब आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को एक टारगेट दो कि आपको एक साल के गोल्स को 3 महीनों में अचीव करना है, तो आप देखोगे कि आपकी मेहनत और हार्डवर्क पहले से ज्यादा हो गई है, और ऐसा होगा भी कि आप एक साल के गोल्स अगर 3 महीनों में नहीं तो कम से कम 6 महीनों में तो अचीव कर ही लोगे, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप और मोटिवेटेड फील करोगे।